सच के साथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। सपा कार्यकर्ता लगातार साइकिल यात्रा हर बूथ पर पिछले 27 दिनों से निकाल रहे हैं और अखिलेश सरकार के काम को बता रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को कोटवा के दीनापुर में अजय मौर्य की अध्यक्षता में साइकिल यात्रा निकाली गई, जिसमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में 2018 से लेकर 2021 तक जितने भी पार्टी के कार्य किए गए हैं वह जनता के बीच पहुंचाने का काम समाजवादी साइकिल यात्रा के माध्यम से क्षेत्र में भ्रमण करके साइकिल यात्रा के रूप में बताया जा रहा है। साइकिल यात्रा में मुख्य रूप से कमलेश यादव सेक्टर प्रभारी दीनापुर, रामधारी यादव सदस्य जिला पंचायत, रिंकू पहलवान, टुनटुन पहलवान, जय हिंद पहलवान, अनूप यादव, पंकज मौर्य, काजू यादव, संतोष यादव, मनीष यादव, रोहित मौर्य, आदर्श गुप्ता, प्रताप कुमार यादव, लोहिया वाहिनी जिला सचिव प्रवीण यादव, शिवशंकर यादव, अमरजीत यादव, विधानसभा उपाध्यक्ष तिलोकी यादव इत्यादि शामिल थे। आज नहीं और पिछले 27 दिनों से लगातार हम लोग चल रहे हैं। हम लोगों का जो पिछली गवर्नमेंट में माननीय अखिलेश यादव जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जितने कार्य किए हैं 2012 और 2017 तक, वो जन जन तक बूथ हर बूथ पे यूथ के साथ जाकर बताने का कार्य कर रहे हैं। और क्या है 2022 में कैसे आप लोग जो है इसको जनता तक पहुंचाएंगे? देखा जाए कि कल प्रियंका गांधी भी बनारस में थी, कैसे आप लोग जो है इसका प्रचार करेंगे? प्रचार क्या करना, प्रचार तो कर ही रहे हैं। वही तो अभी हमने पीछे बताया भी कि 27 दिनों से लगातार हम लोग जन जन तक जो हमने कार्य किए हैं पिछली गवर्नमेंट 2012 से 17 तक, उसी को बताया जा रहा है। रैली हम लोगों की समाजवादी माननीय अध्यक्ष जी के, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर आदरणीय अजय मौर्य बबलू जी पिछले 27 दिनों से साइकिल चला, आज हमारा पहला दिन है जो हमारा गांव बगले में है गौरा से कमौली, तो सेक्टर से हर सेक्टर से साइकिल चला रहे हैं और नौजवानों को लेकर के और पिछले सरकारों में जो कार्य हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को जनता तक बताने का काम किया जा रहा है। सच के साथ।